सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद से देश की जनता में आक्रोश था। हर कोई भारतीय सेना व सरकार से पुलवामा हमले का बदला लेने की मांग कर रहा था। मंगलवार की सुबह जैसे ही लोगों को पता चला कि भारतीय वायुसेना ने पीओके में एयर स्ट्राइक कर दी है, इसके बाद देश भर में खुशी का माहौल बना हुआ है। पुलवामा हमले का बदला लिए जाने के बाद देश की जनता भारतीय सेना का आभार जता रही है। बता दें, हर जगह लोग खुशियां मना रहे हैं और दौसा में व्यापारियों ने जमकर भारतीय सेना के पक्ष में नारेबाजी की और जमकर पटाखे जलाए। इस दौरान लोगों ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयर स्ट्राइक किए जाने पर बधाइयां दी हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद से देश में गुस्से का माहौल था। हमले में मारे गए भारतीय जवानों के परिवार से लेकर भारत का हर नागरिक एक्शन की मांग कर रहा था। गुस्से के माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। इसी बीच मंगलवार सुबह खबर आई कि भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 3:30 बजे एक साथ 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के बड़े ठिकानों पर हमला किया और पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वायुसेना के विमानों ने बीती रात नियंत्रण रेखा के पार जैश के आतंकी कैंप पर करीब 1000 किलोग्राम के बम बरसाए। अभी तक की सूचना के मुताबिक 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टॉप न्यूज नेटवर्क्स के साथ। धन्यवाद।